अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जा रही हूँ ससुराल और उसके लिए रेडी हो रही हूँ। और देखिए मैं कैसा मेकअप करती हूँ। आपको पता है कि मैं सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ब्राइट और वगैरह वगैरह नहीं करती हूँ, लाइट सा मेकअप होता है। रेडी होकर बताती हूँ, साथ साथ छोटे छोटे से क्लिप में बनाऊँगी। आ जाएँ फिर ससुराल चलें। आईज मेकअप डन हो रहा है, ब्राउन के शेड्स लगा रही हूँ। ब्राउन मेकअप आप किसी भी ड्रेस के साथ कर लें, वो आपका फिट जाता है। उसके बाद आप क्या करें, ड्रेस में से कोई सा भी कलर पिक कर लें। लाइक मेरे ड्रेस में पर्पल जो है वो एक प्रोमिनेंट कलर है, तो मैं अपने पैलेट में से पर्पल, लाइट सा पर्पल, एक ये वाला डार्क है लेकिन मैं लाइट वाला लूँगी क्योंकि मुझे लाइट मेकअप चाहिए। तो मैं ये पर्पल लाइट वाला कलर लेके, तो सेंटर में मैं मेकअप के लिए फिंगर्स यूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादा बेस्ट मेकअप ना फिंगर्स के साथ लगता है, तो मैं हल्का सा बस ऐसे फिंगर के साथ मैंने हल्का सा इसको टच किया और सेंटर में इसका थोड़ा सा टच दे दूंगी। तो ये सारा मेकअप मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा। तो मैं इसको भी ब्रश के साथ हल्की से इसको बस ब्लेंडिंग कर लूंगी ताकि बहुत ओवर ना आए। ये मेरा आईज मेकअप डन है, बस जो लाइनर शाइनर रहते हैं वो भी रहते हैं। ऑलमोस्ट डन लिपस्टिक टाइम। लिपस्टिक के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी और साथ में मैं ये वाले लिप पेंसिल हल्की सी आउटलाइन करूँगी और सेंटर में ये वाला कलर लगाऊंगी। ठीक है, इतना सा मैंने किया। अब लिपस्टिक टाइम। इसके साथ मैं हल्का सा ब्राउन का टच दे लूंगी क्योंकि मेरी आईज के ऊपर ब्राउन है, तो थोड़ा सा रलता मिलता सा हो जाएगा। ये देखिए मेरी लिपस्टिक की फाइनल लुक। पूरी ड्रेस की और अपनी हेयर स्टाइल वगैरह की लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बस अब निकलने वाले हैं। चलो आज एंजल बैठो मानो गाड़ी में। चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो सबको। चलो आ जाओ बैठो, मैंने पकड़ लिया। वेलकम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? हाँ, यहाँ पे बच्चे आगे भी बैठ सकते हैं ना, तो ये भी इनका बड़ा एक चार्म है इनके लिए कि हम आगे बैठ सकते हैं और बगैर बेल्ट के बैठ सकते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है। चलो भाई हलाल है। That's why. क्या मैकडॉनल्ड्स हलाल है यहाँ पे? और क्या कर सकते हो पाकिस्तान में आप? और एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा होमलैंड है। हाँ, ये हम का होमलैंड है। कनाडा में मेरी ये सीट होती है, फ्रंट पे मैं बैठी होती हूँ, बच्चे पीछे बैठे होते हैं। यहाँ पे मेरी बारी पीछे आती है, बच्चे आगे बैठे होते हैं। और हम ना यहाँ सीट हो सकते हैं, हम यहाँ सीट हो सकते हैं, एवरीवेयर सीट हो सकते हैं। कहाँ पे जाते हैं? स्टोर पे, दुकान पे, दुकान पे। और एंजल यहाँ पे उर्दू सीखती है। फैसलाबाद का फैक्ट्री एरिया है। सिर्फ यही फैक्ट्री एरिया नहीं है, और भी है, लेकिन हमारी फैक्ट्री जहाँ पे ना वो ये वाला एरिया है। अमनाबाद की हदूद में आ गए हैं। रश फिर से चेक करें रश। ये देखें अमनाबाद की मशहूर तरीन बेकरी नगीना स्वीट्स। यहाँ से अब हम केक पिक करेंगे। भाई गए हैं केक लेने के लिए नगीना स्वीट्स, समनाबाद की मशहूर तरीन बेकरी। फ्रूट शॉप है यहाँ से। अब हम एप्पल एंड बनाना लेंगे। ये बनाना अजीम के फेवरेट, अमरूद तो मेरे इंतहा के फेवरेट है, इंतहा के फेवरेट। इसके ऊपर लीमू डाल के खाने का यह जो स्वाद है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। हम पहुँच गए। चलो चलो बच्चों,
कुछ भी कही जाओ ये दिल के फादर हैं, बस मेमोरी के लिए पिक्चर बनाई है ताकि बच्चे देखें याद करें। एंजल हम वापस जा रहे हैं। हाँ जी। एंजल ने स्टे करना था ना। एंजल तो मैं कल स्टे करूंगी। अच्छा जी, इंशाअल्लाह। दीन अब गाड़ी चला रही हो है? अजीन के पास बैड ड्राइविंग है ना अजीन? आपके पास गुड है? ये किया अभी अजीन? अजीन केक लेने जा रही है। किसके लिए केक लेने जा रही हो? फ्रेन फ्रेन की बर्थडे के लिए। आज है अगेन ऑन नगीना स्वीट्स। तो जाओ मैं गाड़ी में ही हूँ, ये तीनों जाएंगे अब। गाना लग गया ऐसे, वो जा रहे हैं। वापिस आ गए। चलो एंजल बेल करो मानो। मामू के पास है कीज। ये रैन की बर्थडे का केक जो हमने ससुराल से वापसी पे पिक किया था। बहुत मज़े का ये वाला केक, हनी की कोटिंग हुई होती है ना इसके ऊपर, वो बहुत मज़े की लगती है। बस ये छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, बस ये एक छोटे छोटे से बहाने होते हैं फैमिली के मिल बैठने के। ऐसे नहीं, चुप। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से ये होता है मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।